अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी डाटा जो है वो एक डिवाइस से या एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसमिट किस तरीके से होता है, डिलीवर किस तरीके से होता है, उसे हम डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब डेटा जो है वो ट्रांसमिट होने के लिए जिन वेज को एडॉप्ट करता है उन्हें हम ट्रांजिशन मोड्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन ट्रांजिशन मोड्स हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड जो है इसमें हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉसिबल होती है, डेटा जो है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इट कैन नॉट मूव इन बोथ डायरेक्शंस। तो ऐसी डिवाइस जिसमें सिंप्लेक्स मोड ऑन होता है या तो वह डाटा सिर्फ सेंड कर सकती है या सिर्फ एक टाइम में रिसीव कर सकती है, इट कांट परफॉर्म बोथ एक्शंस साइमल्टेनियसली। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं कीबोर्ड की। अब कीबोर्ड और मॉनिटर जो है, कीबोर्ड क्या करता है वो इनपुट देता है एक वक्त में, और मॉनिटर जो है उसने आउटपुट तभी देनी है जब कीबोर्ड जो है वो उसको इनपुट देगा। सिमिलरली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर को टीवी एंटीना से सेंड होता है और कोई रिटर्न सिग्नल इसमें पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन फ्लो होता है। ये सिंप्लेक्स मोड की एक फिगर है जिसमें डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक एक डायरेक्शन में सेंड हो रहा है। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है, या तो इस डिवाइस तक सेंड हो सकता है या इस डिवाइस तक सेंड हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड में हमारी ट्रांजिशन और रिसीविंग दोनों काम हो रहे होते हैं, लेकिन टाइम जो है वो सेम नहीं होता। जब एक डिवाइस डाटा सेंड कर रही होती है तो दूसरी उस टाइम उसको रिसीव कर रही होती है। हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड उन केसेस में यूज होता है जब हमारे कम्युनिकेशन जो है वो दो डायरेक्शंस में हमें नहीं परफॉर्म करनी होती, तब हम हाफ डुप्लेक्स मोड जो है उसको यूज कर लेते हैं। इसके एग्जांपल इंटरनेट सर्फिंग है। इंटरनेट सर्फिंग जो है उसमें यूजर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है कोई भी वेब पेज के लिए, जब तक वेब पेज डाउनलोड नहीं होता कोई और रिक्वेस्ट जो है तब तक सेंड नहीं की जा सकती। और वॉकी टॉकी जो है ये भी इसी की हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक डिवाइस हमारी सेंडर ए है और एक रिसीवर बी है। ए जो है वो डाटा सेंड कर रही है और बी जो है वो डाटा रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर बी डाटा सेंड कर रहा है और ए रिसीव कर रहा है, ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म तो हो रहे हैं बट टाइम सेम नहीं है। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। फुल डुप्लेक्स मोड जो है इसमें डाटा दोनों डायरेक्शंस में एक ही वक्त के अंदर सेंड होता है, इस वजह से हम इसको जो है फास्टेस्ट वे कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन का, और एज कंपेयर टू हाफ डुप्लेक्स मोड, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में हमें वेट करना पड़ता है, एक डिवाइस से सेंड होगा तो फिर दूसरी डिवाइस जो है उसको रिप्लाई आउट करती है, जबकि फुल डुप्लेक्स में जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। टेलीफोन नेटवर्क जो है वो इसकी एग्जांपल है, जिसमें दो पर्सन जो है वो एक टेलीफोन लाइन के थ्रू टॉक भी कर सकते हैं सेम टाइम और लिसन भी कर सकते हैं। इस पीसी को देखें और इस टर्मिनल को देखें, इसमें डाटा एक साइड से दूसरी साइड पे सेंड भी हो रहा है और एट द सेम टाइम इस साइड से इस साइड पे रिसीव भी हो रहा है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, यानी किस तरह का डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है, फॉर्म क्या होती है उसकी। तो दो फॉर्म्स होती है हमारी डाटा ट्रांसमिशन की, या तो डाटा आपके पास डिजिटल फॉर्म में होता है या फिर एनालॉग फॉर्म में होता है। डिजिटल को हम सिंपल कहते हैं ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रीट होती है, और एनालॉग में ऐसी वैल्यू जिसको हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन की। डिजिटल मीन समथिंग डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट जो हम काउंटिंग में लेते हैं,
जैसा कि डाटा जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होता है। अब डेटा डिजिटल सिग्नल जो है वो इस वोल्टेज सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल क्योंकि ये होता है सिग्नल्स में, इसी वजह से हम इसको ऑन एंड ऑफ स्टेट लेते हैं। और ये सिग्नल्स जो होते हैं ये उनकी वर्किंग बहुत एफिशिएंट होती है, फास्टर परफॉर्म करते हैं। एरर जो है डेटा ट्रांसमिशन में वो बहुत कम आता है अगर वो डिजिटल फॉर्म में हो। ट्रांसमिशन स्पीड और क्वालिटी जो होती है वो भी अच्छी होती है। एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन जो है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस वेव के फॉर्म में होता है, जिस वेव को हम कैरियर वेव बोलते हैं। टेलीफोन लाइन इस ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म करती है। साउंड, रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव, ये सब एनालॉग सिग्नल की फॉर्म है। एनालॉग सिग्नल्स में हमने दो चीजें मद्देनजर रखनी होती है, एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि एक टाइम में, एक टाइम फ्रेम के अंदर कितनी वेव्स जो है वो रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट। और एम्पलीट्यूड होती है कि उस वेव की हाइट कितनी है उस टाइम फ्रेम के अंदर, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसा कि ये फिगर है इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक एनालॉग सिग्नल है जो कॉन्टिन्यूस वेव की फॉर्म में है। फ्रीक्वेंसी ये है, ये एक कंप्लीट वेव है। दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ, ये एक कंप्लीट वेव है। अब ये वेव कितनी दफा रिपीट हो रही है, ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड है कि क्रस्ट अगर है तो वो कितना हाइट पे जा रहा है और ट्रफ अगर है तो वो कितनी डेप्थ में जा रहा है, ये उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन हमने जो एम्पलीट्यूड में क्रस्ट देखने है कि उसकी हाइट जो है वो कितनी है, वो उसके एम्पलीट्यूड में कंसीडर होगी। अब बात करते हैं डिजिटल की। डिजिटल में जो है डिस्क्रीट फॉर्मेट में होता है, ये वाली जो ऊपर चीज है ये वन लोअर जीरो, वन वन जीरो 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 एंड दैट्स वन, ठीक है। ये एनालॉग और डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन की एग्जांपल थी।